हेलो गाइस, दिस इज संतोष पानो एंड आई एम बैक विद माय न्यू सेशन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब की कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट की कैसे करते हैं. क्लियर? आई होप कि आपने वो अच्छे से देख लिया होगा. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो अभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वर्ब. वर्ब के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि एक दो आप टर्म पढ़ते होगे, कभी कभी आप कहते हो कि वर्ब के फॉर्म्स, और कभी आप बोलते हो वर्ब के टाइप्स. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है. क्लियर? अगर कई बार मैं बच्चे से पूछती हूँ वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो वो टाइप बताना शुरू हो जाता है. जब मैं पूछती हूँ टाइप्स क्या होता है, तो वो वर्ब्स के फॉर्म बताना शुरू हो जाता है. तो आप इसको बुकिश लैंग्वेज की बजाय ऐसे बनाइए, फॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है. देखो एक बार, आप इसको कह सकते हो स्वरूप या फिर आकार, यही मीनिंग होता है इसका. अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं कि हमारे सामने कोई भी वर्ब आए तो हम उसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं. क्लियर? अगर आपके सामने कोई भी वर्ब आती है तो आप उसको कितने तरीके से यूज करते हो, वही आपके वर्ब के फॉर्म्स कहलाते हैं. यानी कि एक वर्ब कितने फॉर्म लेती है, कितने रूप में यूज होती है, ये इसको बोलते हैं वर्ब का फॉर्म्स. क्लियर? एक बार हम पुराने पैटर्न की तरफ जाते हैं. मान लीजिए कोई वर्ब है गो. आपने तीन फॉर्म तो पढ़ी रहे होंगे, गो, वेंट, गोन, पढ़ा है ना ये सब. पुराने पैटर्न में वर्ब की आपको तीन फॉर्म दिखती हैं. कोई भी पुरानी बुक उठा लो आप, उसमें आपको देखेगा कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं. हमने क्या किया कि इन तीन को नाम क्या दिया जाता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है? प्रेजेंट इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं. प्रेजेंट एक्टिविटीज को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं. वेंट पास फॉर्म, वो एक्टिविटी जो हमारे पास टाइम में हुई उनको एक्सप्रेस करते हैं. और पास पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड के साथ, यानी कि परफेक्ट बनाने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं. आगे डिटेल में पढ़ेंगे. हुआ क्या बच्चे कि तीन तरीके से तो हम वर्ब को यूज करते ही हैं. नए पैटर्न में हमने क्या किया कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब के बेस फॉर्म से ही हमने दो और डिराइव किए. क्यों डिराइव करने की जरूरत पड़ी वो समझ लो. वर्ब तो अपने तीन फॉर्म में यूज होती थी. क्लियर? अब हमने देखा कि जब जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए होगी, सिंगुलर. तो अब हम सिंगुलर फॉर्म कहाँ से लेके आएंगे? पुराने पैटर्न में तो हमारे तीन ही फॉर्म थे, यानी कि गो, वेंट और गोन. हमें तो गोज की भी तो जरूरत पड़ेगी ना. तो यानी कि जब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा कैसी चाहिए, हमें सिंगुलर. क्यों सिंगुलर चाहिए? क्योंकि वर्ब का बेस फॉर्म तो हमेशा प्लूरल होता है, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या किया, गो के आगे एस या ई एस, यानी कि ई एस लगा करके हमने इसका क्या बनाया, सिंगुलर फॉर्म. क्लियर? फिर हमने ये देखा कि अगर कोई काम मुंह के बोलने के टाइम तक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, चल रहा है, तो हम उसके आगे क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं. आईएनजी का मतलब ये कि कोई एक्टिविटी इस पॉइंट पे शुरू हुई और अब वो चल रही है, इस सिचुएशन में है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आईएनजी की. क्लियर? तो अब हमने क्या किया कि वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ही क्या जोड़ दिया, आईएनजी, यानी कि गोइंग. क्लियर हुआ? पुराने पैटर्न में हम वर्ब के तीन फॉर्म पढ़ते थे, नए पैटर्न में यही तीन फॉर्म पांच फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, और हमने डिराइव किया है इन दो फॉर्म को वर्ब के बेस फॉर्म से. क्लियर हुआ? तो आप बेशक मत बोला करो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है सी आई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है. हमने निकाला इनको कहाँ से है, फर्स्ट फॉर्म से है. तो आप इसको ये बोलिए कि वर्ब के बेस फॉर्म के साथ एक बनाया हमने सिंगुलर फॉर्म, एक बनाया हमने आईएनजी फॉर्म. आज अगर आप कोई भी बुक उठाओगे, कहीं भी देखोगे, तो वर्ब के आपको फाइव फॉर्म्स नजर आएंगे. क्लियर है? तीन हमारे थे ही, हमने एक जोड़ दिया सिंगुलर फॉर्म, एक हमने जोड़ दिया आईएनजी फॉर्म. अब आप कोई भी वर्ब बना सकते हो. जैसे मैंने बोला डू, डिड, डन, ये तो थे ही, डज और डूइंग बोल सकते हो. आप बोलते हो राइट, रोट, रिटन, राइट्स और राइटिंग. क्लियर हो रहा है? यानी कि एक वर्ब कोई भी आपके सामने आए तो आप उससे पांच फॉर्म बना सकते हो. क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट बात ये जरूरी याद रखना बच्चे कि कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है. ये बात जरूर ध्यान रखना. कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एस आई एस हम क्यों लगाते हैं, क्या चीज़ है. ठीक है? तो आप देखो, वर्ब बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है. बेस फॉर्म का मतलब जब तक हमने कुछ भी नहीं जोड़ा इसके साथ,
राइट, जैसी है वो बेस फॉर्म में है. वर्ब बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है, जैसे ही SCIS जोड़ते हैं वो हमेशा सिंगुलर बन जाती है. क्लियर हुआ? वर्ब के साथ SCIS जोड़ने पे हमेशा वो सिंगुलर बनती है. अगर मैं यही काम नाउन के ऊपर करूं, नाउन का बेस फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है बच्चों. बेस फॉर्म, कुछ भी नहीं जोड़ा जब तक आपने, ठीक है. अगर आपने जोड़ दिया SCIS तो नाउन हमेशा प्लूरल बनते हैं. क्लियर हुआ? एक बार चेक करके देख लो. अगर मैं कुछ एग्जांपल देखिए यहां पर, अगर मैं बोलती हूं बच्चे सिंह, अब ये प्लूरल फॉर्म है. अगर मैं SCIS जोड़ दूं, एस जोड़ू तो सिंग्स सिंगुलर फॉर्म हुआ. अगर मैं लिखती हूं राइट, अब ये प्लूरल फॉर्म है लेकिन राइट्स सिंगुलर फॉर्म है. क्लियर है यहां तक? नाउन की बात करो, मैंने बोला एक लड़का, बॉय सिंगुलर है, SCIS जोड़ते ये क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा, यानी कि बॉयज. मैंने बोला काइट, एक काइट सिंगुलर है लेकिन काइट्स प्लूरल है. क्लियर हो रहा है? यानी कि नाउन SCIS लगने पे प्लूरल बन रहा है, वर्ब SCIS लगने पे हमेशा सिंगुलर बन रही है. क्लियर हुआ? जब जब आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की. इस वर्ब की खुद की कोई पहचान नहीं होती, यानी कि वर्ब हैज नो आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन. वर्ब की खुद की कोई पहचान नहीं है. वर्ब क्या आएगी? हमेशा उसका सब्जेक्ट डिसाइड करता है. जैसे तुम हिंदी में बात करते हो, लड़का गाना गाता है, तो लड़का एक है तभी तो गाता है लिखा ना. अगर लड़के होता तो हम क्या बोलते? लड़के गाना गाते हैं. ते है कब आया? जब लड़के है, यानी कि प्लूरल है. इन द सेम वे, जब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर. और जब जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल. ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, राइट? कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाइए. क्लियर हुआ? तो ये वर्ब के 5 फॉर्म समझ आए. आप इस बात को चेक कर सकते हो, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं कि सिंगुलर वर्ब की हमें जरूरत कब पड़ती है. उससे पहले हम ये समझेंगे बच्चे, जब जब हम बात करते हैं हमारी बातचीत में कितने लोग शामिल होते हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जब जब हम बातचीत करते हैं, चुगली करते हैं कभी बैठ के, है ना, तो उसमें बातचीत में कितने लोग शामिल होते हैं? 3 होते हैं. एक वो आदमी जो बोल रहा है, एक वो जो सुन रहा है, एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यही तो होते हैं ना 3 पर्सन. तो आप इनको बोल सकते हो फर्स्ट पर्सन. और कौन कौन आते हैं इस फर्स्ट पर्सन में? आई और वी. आई सिंगुलर फॉर्म, वी आपका प्लूरल फॉर्म. सेकंड पर्सन में जो हमारे आते हैं वो कौन होते हैं? यू, सामने वाला. एक बच्चा बैठा है उसको क्या बोलूंगी? यू. 10 लोग बैठे हैं तो भी क्या बोलूंगी? यू. इसीलिए यू का प्लूरल फॉर्म भी हमेशा यू होता है. थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन हो सकता है? या तो बच्चे वो कोई नाउन होगा. नाउन के केस में हम इसको लिख सकते हैं एनी नेम. एनी नेम आप कहते हो राम, श्याम, गीता, ये सारे कोई भी नेम है. और अगर आप इसको प्रोनाउन दोगे, नाउन रिपीट ना हो तो हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन. तो आप इसको लिख सकते हो ही, शी, इट. अगर आप किसी लड़के की बात कर रहे हो उसको ही बोल दो, लड़के की बात कर रहे हो शी बोल दो. इट हम यूज करते हैं, इट के काफ़ी यूजेज हैं. जैसे आप एक बच्चे को, जब आपको जेंडर नहीं पता तो आप इट बोल सकते हो. एनिमल को आप इट बोल सकते हो. कंट्री के लिए आप इट का यूज करते हो. टेम्परेचर के लिए, वेदर के लिए, मौसम बताने के लिए आप इट का यूज कर सकते हो. तो ये इट के यूजेज हैं. और इन सब का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दे. क्लियर हुआ? ये 3 पर्सन जब जब हम बातचीत करेंगे तो ये लोग हमारी बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर हुआ? अगर मैं ये बोलती हूँ कि लड़का गाना गाता है, लड़का गाना गाता है, लड़का कितना है? 1 है. कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? द बॉय. अब बात आई कि यहाँ पर वर्ब सिंग आए या सिंग्स आए, ये समझना है, ठीक है. तो देखो, लड़का 1 है, सिंगुलर है, तो द बॉय. वर्ब भी कौन से फॉर्म की लानी पड़ेगी? सिंगुलर की. वर्ब सिंगुलर कब बनेगी? जब SCIS लगाओ. तो ये देखिए, द बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, कह सकते हैं. अगर मैं ये कहूं लड़के गाना गाते हैं, लड़के कितने हो गए? लड़के प्लूरल हो गए, यानी कि द बॉयज. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, सिंग ए सॉन्ग. क्लियर हुआ? जब जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैं वर्ब भी कैसे उठा के लाई? सिंगुलर.
जब जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं वर्ब भी कैसे उठा के लाई, प्लूरल एग्रीमेंट यही तो कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। इतनी बात समझ आ गई। अब कुछ बच्चों को अगर फिर भी ये याद ना हो तो एक ट्रिकी पार्ट बता देती हूँ इसका, ठीक है। एस सी आई एस के फंडे में बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। ये देखो, आपने एक चीज़ यहाँ से उठाई कि वर्ब बेस फॉर्म में प्लूरल है, एस सी आई एस जोड़ने पे वो सिंगुलर बन रही है, क्लियर। क्या नाउन बिल्कुल इसका उल्टा नहीं है? देखो, नाउन बेस फॉर्म में तो सिंगुलर है और एस सी आई एस जोड़ने पे क्या बन रहा है? प्लूरल बन रहा है, तो हमेशा उल्टा ही तो होगा ना। देखो, अगर आपका यहाँ पर बॉय है सिंगुलर, एस सी आई एस नहीं लगा, या लगा दो, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी और वर्ब सिंगुलर कब बनेगी? जब एस सी आई एस लगाओगी, क्लियर हुआ। यहाँ पर आपने एस लगा दिया, बॉयज प्लूरल है, यहाँ मत लगाइए क्योंकि एस सी आई एस तो एक ही जगह लगेगा, क्योंकि हमेशा उल्टा होता है। जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। इतनी बात समझ आ रही है। ये चीज़ हर बच्चे को आनी चाहिए कि जब जब वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल, एस सी आई एस लगाते ही सिंगुलर, नाउन बेस फॉर्म में हमेशा सिंगुलर, एस सी आई एस लगाते ही हमेशा प्लूरल, क्लियर हुआ। और एग्जांपल बनाइए, लड़की लेटर लिखती है, लड़की एक है तो कैसे लिखेंगे? देखो, द गर्ल, लड़की एक है, गर्ल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसे आनी चाहिए? राइट आए या राइट्स आए? राइट्स, राइट्स ए लेटर, कह सकते थे। लड़कियां पत्र लिखती हैं, अब लड़कियां कितनी हो गई? बहुत सारी। द गर्ल्स प्लूरल हो गया। अब बताइए, राइट आए या राइट्स आए? राइट ए लेटर। अब अपना वो फंडा देखो, यहाँ पर एस नहीं लगा था, यहाँ लगा दिया, यहाँ पर लग चुका था, यहाँ पर नहीं लगाया, क्लियर हुआ। ये चीज़ समझ आई कि जब जब हम किसी भी, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि वर्ब के फॉर्म और टाइप में क्या डिफरेंस है, तो आपका जवाब होना चाहिए फॉर्म का मीनिंग है किसी वर्ब को काम में लेने का तरीका। पुराने पैटर्न में वर्ब के 3 फॉर्म थे, नए पैटर्न में हमने वर्ब के 5 फॉर्म बना लिए हैं और आगे से हम वर्ब के हमेशा 5 फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। क्लियर, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप बोलते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए वो देखो। इन दोनों वर्ड्स को कभी भी ऐसे ना मिक्स मत करना, ये अलग अलग चीजें हैं। जब जब मैं बात करती हूँ टाइप्स की, तो वर्ब हमेशा 2 टाइप की होती है। सबसे पहले वर्ब को नाम देंगे मेन वर्ब, और दूसरी वर्ब हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। इसको वर्ब मत बोलना, ठीक है, वर्ब है ये, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी। ये नाम कहीं आपने सुना होगा। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब होता है मेन, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसको मेन वर्ब को मेन नाम क्यों दिया गया? टाइप जब जब आप बोलोगे तो आपके माइंड में ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मुझे बताओ मेन वर्ब क्या होती है, किसे कहेंगे मेन वर्ब? देखो, जैसा इसका नाम है बच्चे, वैसा ही इसका काम भी है। आप बिगिनिंग में पढ़ के आए हो कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये चीज चाहिए, राइट। आपने एक लाइन और पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल है, ना भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर मैं इस वर्ब को ही ना लगाऊं, क्या ये सेंटेंस बन पाएगा? बनेगा ही नहीं ना। इसका मतलब यही तो मेन वर्ब है जो मेन रोल प्ले कर रही है सेंटेंस को बनाने में, क्लियर। अगर मैं इस वर्ब को हटा लूंगी, ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा, इसलिए इसको नाम दिया है मेन वर्ब, क्लियर हुआ। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखती हूं, राम सिंग्स ए सॉन्ग, अगर मैं इस सेंटेंस में सिंग्स को ही हटा लूं, क्या ये सेंटेंस बन सकता है? नहीं, इसीलिए इसको नाम दे दो मेन वर्ब। आप उत्तर की पड़ताल ऐसे करोगे, अगर आपको मैं ये कहूँ कि बच्चे बताओ यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो आप ये काम करोगे, उस वर्ब को हटा के देखना, उत्तर की पड़ताल ऐसे करेंगे, उस वर्ब को हटा के देखना, अगर उसके बिना सेंटेंस ना बने वही मेन वर्ब है, क्लियर हुआ। हेल्पिंग वर्ब, देखो इसका नाम क्या है, हेल्पिंग, मदद करना, किसकी मदद करेगी ये,
मेन वर्ब की मदद करेगी, लेकिन इसके बिना सेंटेंस तो बन सकता है, इसके बिना सेंटेंस तो बन सकता है, लेकिन ये मेन वर्ब के साथ आकर के उसमें क्या कर देती है, कुछ नया जोड़ देती है। जैसे कि देखिए, अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, राम कैन सिंग ए सॉन्ग, अब मुझे बताइए दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। आप बोल रहे हो राम सिंग से सॉन्ग, इसको हटाया, सेंटेंस नहीं बन रहा था तो हमने इसको नाम दे दिया, क्या है ये, मेन वर्ब है। अगर मैं इस कैन को हटा लूँ, सेंटेंस तो बन सकता है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास सिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? अब इसने आकर के क्या काम किया, कैन ने मेन वर्ब के साथ यूज होकर के क्या काम किया, इस सेंटेंस में एक कैपेसिटी जोड़ दी, राइट। इस सेंटेंस का सिंपल मतलब है कि राम गाना गाता है, उसका रूटीन एक्शन है, ये उसकी एक परमानेंट एक्शन है, ये उसकी एक फ्रीक्वेंट एक्शन है जो अक्सर उसकी लाइफ में होती है, राइट। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है कि राम गाना गा सकता है, राम के अंदर एक खास कैपेसिटी है कि वो गाना गा सकता है। क्लियर हुआ? अब आप देखते ही बता दो कि कैन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देखिए, आप किसी बीमार से मिलने जाते हो, आप आते आते क्या बोल देते हो, यू शुड टेक मेडिसिन, और आगे हमने लिखा ऑन टाइम, आपको दवाइयां टाइम पे लेनी चाहिए। अगर इस सेंटेंस में मुझे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान करनी हो तो मैं कैसे करूंगी, अगर मैं इस शुड को हटा लूं, सेंटेंस बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है। ये देखिए, टेक ये रही मेन वर्ब, अब यहां पर शुड जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टेक आपकी क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर हुआ? क्या काम किया इस शुड ने आकर के, जैसे कि अलग अलग मॉडल के अलग अलग फंक्शन होते हैं, कि कैन कैपेसिटी को बताता है तो शुड क्या बताता है, सजेशन बताता है। हम आते आते बोल रहे हैं जी दवाइयां आपको टाइम पे लेनी चाहिए, हम एक सजेशन दे के आ गई हैं। क्लियर? अगला लेता है नहीं लेता हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये मेन वर्ब और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब अलग कर सकते हो। मेन वर्ब की यही पहचान है कि जिसको हटाओगे सेंटेंस नहीं बनेगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आकर के सेंटेंस में कुछ नया जोड़ती है, राइट। आप आगे चल करके एक और फंक्शन इसका सीखोगे कि एडिटिंग करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से। एडिटिंग का क्या मतलब होता है, आजकल के सारे बच्चे एंड्रॉयड यूजर है ना, तो एडिटिंग का क्या मतलब होता है, आप एक फोटो बनाते हो फोन में और उसमें बहुत सारी एडिटिंग कर देते हो, करते हो ना, फेस तो ऐसा चमका देते हो और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, है ना। तो आप उस फोटो में क्या कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो। हम एक सेंटेंस में क्या एडिटिंग कर सकते हैं, देखिए सेंटेंस बनाने का काम तो मेन वर्ब ने कर दिया, लेकिन अब इस फर्दर इस सेंटेंस में हम क्या चेंज कर सकते हैं, वही एडिटिंग होगी। तो देखिए, आप किसी सेंटेंस को, बने हुए किसी सेंटेंस को जरूरत के हिसाब से नेगेटिव बनाते हो, आप उसका वॉइस चेंज कर सकते हो, आप उसको इंटरोगेटिव बना सकते हो जरूरत के हिसाब से, आप अगर वो डायरेक्ट है तो क्या बना सकते हो, इनडायरेक्ट बना सकते हो, यानी कि उसका नरेशन चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो भी काम आप ये कर रहे हो, सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो, वॉइस चेंज कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, इंटरोगेटिव बना रहे हो, या उसका स्पीच चेंज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडिटिंग ही तो हैं। तो एडिटिंग हमेशा किसकी मदद से होती है, हेल्पिंग वर्ब की। बात समझ आ रही है? आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये कि कैसे हम एडिटिंग करते हैं। दूसरा जो मोटा डिफरेंस है वो क्या है कि मेन वर्ब हमेशा अपने 5 फॉर्म्स में यूज होती है। ये जो 5 फॉर्म्स आप बना पाओगे ना, ये मेन वर्ब के ही बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब के कभी 5 फॉर्म्स नहीं बन सकते। आपने कभी मॉडल वर्ब के साथ ऐसे आईएस लगा देखा, कभी आईएनजी लगाते हो, नहीं लगाते ना, या तो इनकी प्रेजेंट फॉर्म होती है या इनकी पास्ट फॉर्म होती है। अगर आप यूज करते हो कैन तो प्रेजेंट कैपेसिटी है, अगर मैं ये बोलूं मैं पढ़ा सकती थी कब, पास्ट में, तो कुड लगा दूंगी। बात समझ आ रही है? शैल शुड विल वुड ऐसे आप यूज करते हो इनको, तो यानी कि मॉडल वर्ब की हमेशा 2 ही फॉर्म्स होंगी जबकि मेन वर्ब की हमेशा 5 फॉर्म्स होती हैं। तो यहां पर लिख दो 2 फॉर्म्स, ठीक है। दो डिफरेंस समझ आए आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब वो जो सेंटेंस को बनाती है, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब वो जो मेन वर्ब की मदद करती है, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। क्लियर? आगे बढ़े इसमें, चलो अभी इसको पूरा करेंगे। एडिटिंग का हमारा क्या मतलब था, एडिटिंग जब आप कर रहे हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं ये सेंटेंस को ऐसे लिखती हूँ बच्चे, राम प्लेज
फुटबॉल, ऐसे लिखा आपने। अब तुम समझो, अगर मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो, ये सिंपल सेंटेंस है जो कि मेन वर्ब की मदद से बना, क्लियर है। अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहती हूँ कि राम फुटबॉल नहीं खेलता, या फिर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या राम फुटबॉल खेलता है, मतलब भाई लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो तरह तरह की डिमांड तो आपकी आएंगी। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम चाय की पूछ लेते हैं ना, क्या पूछते हैं, जी आप चाय लेते हो, तो हम वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डू यू टेक टी। आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, हेल्पिंग वर्ब की ना। तो देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, राम डज। जो बदलाव मेन वर्ब में है वही हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर हुआ, क्यों हुआ समझ लो एक बार। अगर सिंपल सेंटेंस मेन वर्ब बनाती है तो मेन वर्ब ही एग्रीमेंट करेगी किसके साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ। जब आप एडिटिंग करोगे तो एडिटिंग की सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, और ये बदलाव हम किसके साथ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब ये चेंज हो चुके हैं तो मेन वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी और अपने बेस फॉर्म में चली जाएगी, क्लियर। तो राम डज नॉट प्ले, आगे लिखेंगे फुटबॉल। इतनी बात समझ आई। जैसे कि कुछ बच्चे ये भी एरर करते रहते हैं कि राम डज नॉट, आगे प्लेज लिख देते हैं। तो आप इस लॉजिक को समझिए कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, तो पहले आएगी तो सब्जेक्ट के साथ यही लिखी जा रही है, देखो सेकंड प्लेस पे, तो एग्रीमेंट की जिम्मेदारी भी तो इसी की हो गई ना, इसीलिए ये बदलाव इसके साथ किया जाता है, राम डज हो गया। अब डज के होने से मेन वर्ब फ्री होकर के अपने बेस फॉर्म में चली गई, तो यहाँ पर अब आप प्लेज नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा गलती से यहाँ पर प्लेज कर देता है तो दूसरा भी कॉन्सेप्ट है कि डू का डज सिंगुलर फॉर्म और प्ले का प्लेज सिंगुलर फॉर्म, दो एक जैसे फॉर्म तो एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। या फिर इसको ऐसे समझिए, जो बदलाव मेन वर्ब में था वो हमने हेल्पिंग वर्ब में कर दिया, अब मेन वर्ब फ्री होकर के अपने बेस फॉर्म में चली गई। यहाँ तक बात समझ आई। अगर मैं इसी का इंटरोगेटिव बनाना चाहती हूँ तो कैसे बनाऊंगी, डज, डज शुरू में आ जाएगा, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब आप देखो, अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो, इंटरोगेटिव बना रहे हो, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, हेल्पिंग वर्ब की, यही एडिटिंग कहलाती है सेंटेंस में। अगर मुझे ये कहना है कि ये देखो राम फुटबॉल खेल रहा है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इज वहां पर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं ये बोलूं कि राम फुटबॉल खेल चुका है, हो गई है एक्शन, कंप्लीट हो गई है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड फुटबॉल, बोल सकते थे, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं ये बोलूं कि राम सुबह 9 बजे से खेल रहा है, अगर मैं इस एक्शन को अब बता रही हूँ, मान लीजिए मैं ये कह रही हूँ कि सुबह 9 बजे से खेलना शुरू किया और ये बात मैं आपको 12 बजे बता रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की एक्टिविटी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 9 बजे उसने खेलना शुरू किया था, यहाँ तक कितना आ गया इसमें परफेक्शन, खेल तो अब भी रहा ही है। इन दोनों सिचुएशन को कैसे लिख सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से। एक परफेक्शन आ गया 9 बजे शुरू हुई एक्शन को, अगर आप 12 बजे बता रहे हो तो 3 घंटे का परफेक्शन भी आ चुका है और अब भी खेल ही रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल देंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर सीखने को क्या मिला कि एडिटिंग आप जितनी भी कर पा रहे हो, ये एडिटिंग कौन करवा रहा है, हेल्पिंग वर्ब करवा रही है, क्लियर हुआ। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, तुम्हारे तरीके से बताती हूँ, देखो याद रखना इस चीज़ को। बच्चों तुम आजकल ना ये सेल्फी बड़ी लेते हो ना, एक बात बताओ कि सेल्फी क्या आप नोकिया 1100 के फ़ोन में ले सकते हो। सेल्फी लेने के लिए आपको एक कैम चाहिए और वो कैम आपके अगर फ़ोन में है तो आप सेल्फी ले पाते हो। मेरा कहने का ये मतलब है बच्चे, फ़ोन में जो लगा कैम है आपका, कैमरा जो है आपका, दैट इज़ इक्वल टू मेन वर्ब। बात समझ आ रही है कि अगर आप फोटो किससे, किसकी मदद से ले पा रहे हो, फ़ोन में लगे कैमरे की मदद से, तो इसका मतलब सेंटेंस किससे बना पाते हो, मेन वर्ब से, यानी कि मेन वर्ब इज इक्वल टू फोन में लगा कैमरा, याद हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, इस बनी हुई फोटो को आप क्या करते हो, अलग अलग आपने वो डाल रखे होंगे, कुछ ब्यूटी प्लस, कैंडी कैम डाल के रखते हो ना। अब इस बनी हुई फोटो को आप इस एप्लीकेशन में खोलते हो यहाँ पर और कर देते हो ढेर सारी एडिटिंग, करते हो ना।
फ्रेम भी लगा देते हो, कुछ टेक्स्ट भी कर देते हो, सारे काम करते हो, तो ये सारी क्या कहलाती है? एडिटिंग। तो एडिटिंग हमारी कौन करवा रही है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? फोन में लगा कैम इज इक्वल टू मेन वर्ब, ब्यूटी प्लस इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। ये आप याद रखोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि मेन वर्ब तो सिर्फ एक ही काम करती है, सेंटेंस को बना देती है, रिमेनिंग जितने भी चेंजेस आप करते हो फर्दर उसमें आगे, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप कर पाते हो। क्लियर हुआ? एक और तरीका है बच्चे, मेन वर्ब इज इक्वल टू अवर फादर। ठीक है, घर में पिताजी होते हैं, उनके बिना घर नहीं चलता, तो वो हमारे पिताजी हैं, तो वो मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू सन। ठीक है, सन पापा की मदद करता है घर में, राइट? पापा घर को तो पापा ही चला रहे होते हैं, लेकिन सन आकर के उसका हेल्पिंग हैंड बनते हैं, है कि नहीं? तो इस सिचुएशन में हम कह देंगे सन इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? आप इस पूरे को समझेंगे कि फॉर्म में और टाइप्स में क्या डिफरेंस है। क्लियर? टाइप्स बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो जो सेंटेंस को बनाती है, हेल्पिंग वर्ब वो जो मेन वर्ब की मदद करती है, एडिटिंग करती है, राइट? मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ 2 फॉर्म्स होते हैं। क्लियर हुआ? इस सेशन में आज इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट में नए सेशन में आऊँगी, जिसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे मेन वर्ब के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर है? तब तक आप इसको कंप्लीट देख लेंगे बैठ करके। थैंक यू।